नमस्कार दोस्तों, Amazon Prime पे एक साउथ कोरियन मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है हंट। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इसके लीड रोल में नजर में आएंगे ली जंग जे, जिनको आपने स्क्विड गेम जैसी ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज में भी देखा होगा। उन्होंने इस फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन किया है, मतलब कि ये उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। अब दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे लिए ये मूवी बहुत ही बोरिंग, कंफ्यूजिंग और एक बिलो एवरेज मूवी साबित होती है। फिल्म की बेसिक स्टोरी की बात करें तो फिल्म बेस्ड है 1980 में, जहां पे साउथ कोरिया की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया का एक स्पाई एजेंट साउथ कोरिया में घुस आया है और वो उनके प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। अब साउथ कोरिया की जो एजेंसी है, वहां के जो दो एजेंट है, उनको ऐसा लगता है कि वो दोनों ही में से ही कोई गद्दार है। अब ये लोग उनका पता कैसे लगा पाते हैं और अपने प्रेसिडेंट को कैसे बचा पाते हैं, यही इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। अब दोस्तों, इस मूवी का प्लॉट इतना कंफ्यूजिंग है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरी मूवी में चल क्या रहा था। पूरी मूवी में ये लोग जिस भी कैरेक्टर के बारे में अपना नाम लेते हैं कि यार मुझे इस पर शक है, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको पॉज करके सोचना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर कौन है, क्योंकि आप इतना फेमिलियर नहीं हो पाते हो। इवन इस मूवी में एक कैरेक्टर को कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव दिखाते हैं, फिर दूसरे टाइम के लिए नेगेटिव, वैसे ही दूसरे कैरेक्टर को कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव दिखाते हैं फिर नेगेटिव, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मूवी आखिर में दिखाना क्या चाहती है। ट्विस्ट और टर्न्स से भरपूर तो ये करना चाहती है, लेकिन अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। पूरी ही मूवी अपने आप में ही एकदम कंफ्यूज हो जाती है और इवन हमको भी कंफ्यूज कर देती है। मुझे लगता है कि ये इनके डायरेक्शनल डेब्यू है, इसीलिए ये ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। बाकी पूरी मूवी देखने के बाद मैं तो मूवी से बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाया। दोस्तों, ये मूवी 2 घंटे और 11 मिनट की है, लेकिन सच बता रहा हूँ, ये 2 घंटे मैंने कैसे निकाले हैं मेरा ही मन जानता है। बहुत ही बोरिंग, एक भी ट्विस्ट और टर्न इंटरेस्टिंग नहीं लगा है। मतलब एक ही ट्विस्ट आता है, वो भी ऐसा आता है कि आपको समझ में नहीं आता कि ये लोग का मकसद क्या है। पूरी मूवी ख़त्म करने के बाद मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये लोग क्या दिखाना चाहते थे। मतलब कंफ्यूजिंग से बहुत ही बढ़के है ये मूवी। इवन दोस्तों, मूवी में ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्लॉटिंग है, ना कोई दिमाग जैसा सोचने की चीज़ है कि हम ऐसा प्लान बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पॉलिटिक्स आप कह सकते हो जो बहुत ही बोरिंग हो जाती है, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। मैं सच बता रहा हूँ, 40 मिनट मूवी के होने के बाद मैं मूवी छोड़ना चाहता था। बस ये रिव्यू करने के लिए मैंने पूरी मूवी देखी, लेकिन सच बता रहा हूँ 40 मिनट भी बर्दाश्त के बाहर थे। तो दोस्तों, मैं तो ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, और अगर आप खुद देखना चाहते हो अपने रिस्क पे, तो ये मूवी आप Amazon Prime Video पे देख सकते हो। ये फिल्म हिंदी में आपको मिल जाएगी, बल्कि इसकी जो हिंदी डबिंग है वो भी बहुत ही बिलो एवरेज है। एक भी कैरेक्टर पे उसकी कैरेक्टर की आवाज़ सूट नहीं हो रही थी, इतनी बिलो एवरेज इसकी हिंदी डबिंग हुई है। तो ये रिस्क आप पे है कि अगर आप देखना चाहते हो तो ही देखो, बाकी मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मैं इस फिल्म को दूंगा 0 out of 10 stars। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।